सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों। पवन आया रे, पवन भारद्वाज आया रे, ओए आया रे। ओके जी, होर किदा ठीक ठाक है तुसी? होर फिर अज मैच सोमवार को एक ही मैच होना, क्योंकि तुहानू पता वीकेंड लंघ गया। तो अज का मैच है बहुत ही बॉम ब्लास्ट मैच होने वाला, जिस विच गुरु ते चेला एक दूजे आमने सामने होंगे। लेकिन कैप्टन तो CSK का महेंद्र सिंह धोनी है, तो RCB का फैफ डुप्लेस है, पर गल हमेशा विराट ते धोनी की होंगी है, क्योंकि वह गुरु चेला हैं। तो अज जो कि मैच चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर में होएगा, तो इत्थे ये दोनों टीम आपस के सामने 30 बार हो चुकी, जिस 10 बार RCB जीती है, तो 20 बार CSK जीती है। यानी कि चेला थले आ, गुरु उपर आ, गुरु ही हुंदा, फिर भी जिदा मर्जी है, लेकिन इन्हां दोनों नूं सलूट आ, दोनों एक दूजे रिस्पैक्ट करते हैं, सलूट है दोनों। तो टैंपरेचर अच्छे उत्थे चिन्ना स्वामी स्टेडियम 31 डिग्री रहेगा, तो ह्यूमिडिटी 28% रहेगी उत्थे, तो विंड स्पीड 13 माइल दे नाल पर आवर दे नाल होगी, तो रेन की कोई संभावना नहीं है, इसका मतलब नहीं, लेकिन ह्यूमिडिटी उत्थे बहुत हो जाती है। उस तो बाद पैच रिपोर्ट की गल करते हैं। पैच रिपोर्ट तुहानू पता ही है, जो चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलोर है, ये हमेशा बैटिंग फ्रेंडली होंदी है, तो ये बैट्समैन का पैराडाइज इन्हू कहा गया हमेशा ही। तो एक छोटी ग्राउंड आ, बाली वड्डी ग्राउंड नहीं, तो करके हमेशा एज लगते सार भी सिक्स हो जाता इतने, तो पर सिक्स मारन ग्राउंड नूं तां क्लीयर करना पैंदा, उहदे वास्ते फिर तुहानू पता किदां खेलना। तो बाकी बाउंड्री जो है जिहड़ी परसेंटेज है 55 to 59 meter दी एवरेज हिसाब नाल कही गई है, जो कि बिहाइंड स्केयर जो है 58 to 65 meter है, तो स्ट्रेट जो स्ट्रेट है वो 68 to 71 meter है, तो एवरेज स्कोर इत्थे 180 रन है। उस तो बाद जिहड़ी बैटिंग जो बैटिंग सैकंड करती है ना, उहदा रिकॉर्ड है 80% जित दा, इहदा मतलब यह है कि जो भी टॉस जितूगा और सैकंड बैटिंग करेगा, तो यह तो हो गया यह। तो लोग अज्ज गल करते पे आ कि कौन वे रविंद्र जडेजा, मैक्स बैल, तो उदो हसरंगा ये टॉप ते होणगे। बाकी मुकाबला तो अज दा देखण वाला जो स्पिन दा, उहदे विच विराट कोहली किदा सेंटर नूं खेलदा वा, क्योंकि हमेशा सेंटर ने विराट नूं प्रॉब्लम कीती आ, कदी भुल्लियो ना इह गल। ते उधरों ऋतुराज गायकवाड़ किदा हसरंगा नूं खेलदा, क्योंकि ऋतुराज गायकवाड़ है ना अपने होम डोमैसटिक च खेलदा, ते उहदी इक तकनीक स्पिन नूं खेडण दी वधिया है, कि उह इहनूं खेडूगा जां फिर पारनल दी अंदर आउंदी गेंद दे विच ही उहदा काम तमाम होजूगा, ते हो सकदा जे उह पहले ओवर कढ गया तो हसरंगा के मोहरे आवे, लेकिन पारनल नू भी पार पाना पैना, क्योंकि पारनल इज लैफ्ट हैंडर गुड बॉलर आ। तो देखने वाली गल है कौन वे लैफ्ट हैंडर राइट हैंडर, ऋतुराज की जी ओपनिंग पेयर आ चेन्नई वास्ते बहुत चंगा कर रहे हैं, लेकिन लास्ट इन्हें ऋतुराज दियाँ थोड़ी जी स्लो आईया, चलो फिर भी। बाकी दूजा मुकाबला जो मेन होगा वह धोनी तो डेफलूस फैपलूस की कप्तानी में होगा, क्योंकि धोनी तो तुम्हें पता है ना कप्ताना का कप्तान मनिया जाता वा, ही जे कैप्टन नहीं सी कप्तानों के कप्तान किंग कप्तान महाकूल मैन धोनी, तो उधरों मसल मैन हूँ तो धोनी के भी मसल बन गए फैपरू प्लेस, जो कि हथौड़े वांगू बैट मारते हैं बोलते ओहो। तो देखते हैं कि अज हुंदी गल। तो रविंद्र जडेजा ने पिछले मैच बहुत वधिया की सी जो भी आ, ते देख ये मुकाबला बहुत वधिया होने की संभावना है। सेंटनर कोहली ऋतुराज गायकवाड़ पैरनल, जे पैरनल नू पार पा लिया तो हसरंगा धोनी तो फैफ डुप्लेस की कैप्टनसी, कि कैप्टन कूल तो मिस्टर फायर विराट कोहली किदा अज मैच दे विच नज़ारा दिंदे आ। ग्राउंड छोटी आ, छक्के चौके बरसात होनी आ, मीह होना नहीं, ह्यूमिडिटी आ, सैकेंड टाइम जिहड़ी बैटिंग करूगी वह हमेशा पैराडाइज है। तो ओके दोस्तों, मैच दा आनंद लैंदे आ, फिर मिलते हैं, थैंक यू। आया पवन भारद्वाज आया, ओए थैंक यू दोस्तों।